एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और राज्य में 5 चरणों में विधानसभा के चुनाव होंगे। चुनाव के नतीजे 23 दिसंबर को आएंगे और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने बताया कि पहले चरण का मतदान 30 नवंबर को होगा, 7 दिसंबर को दूसरे, 12 दिसंबर को तीसरे चरण के लिए वोटिंग होगी और वहीं चौथे चरण की वोटिंग 16 दिसंबर को, जबकि 20 दिसंबर को पांचवें चरण की वोटिंग होगी। आपको बता दें कि पहले चरण में 13 सीटों पर मतदान होगा, दूसरे चरण में 20 सीटों पर, तीसरे चरण में 17 सीटों पर, चौथे चरण में 15 सीटों पर और पांचवें चरण में 16 सीटों पर मतदान होगा। झारखंड लेजिस्लेटिव असेंबली हैज अ स्ट्रेंथ ऑफ 81 सीट्स, आउट ऑफ विच 9 आर रिजर्व्ड फॉर एससी and 28 for ST. According to 2011 census, 26.21% of Jharkhand is of ST and 12.08% of population is SC. Out of the total population of 3.298 crore, 86.08 lakh was ST and 39.74 lakh was SC. As per the final electoral rolls published with respect to January 2019 as a qualifying date, Jharkhand has 2.265 electors. तो झारखंड में चुनावी बिगुल बज चुका है। आज अहम जानकारी दी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि झारखंड में 5 चरणों में चुनाव होगा। आचार संहिता आज से ही लागू हो गई है। चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ ही